दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप यहां पर भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बरमूडा ट्रायंगल की आपने अनोखे कहानियां सुनी ही होगी। सबसे अधिक संख्या में यहीं से शिप और प्लेन गायब हुए हैं, लेकिन दुनिया में सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल ही ऐसी नहीं है, और भी जगह है जहाँ पर आदमी से लेकर जहाज और शिप गायब हो चुके हैं, जिसका रहस्य आज तक कायम है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि बरमूडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा रहस्यमय जगह कौन कौन से इस धरती पर है। पहला है बरमूडा ट्रायंगल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। यह क्षेत्र ब्राज़ील के तट से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर है। बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्रफल को लेकर अलग अलग मत है। इसे 13 लाख वर्ग किलोमीटर से लेकर 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक माना जा रहा है। बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र से होकर अगर कोई भी चीज़ गुजरता है तो बरमूडा ट्रायंगल उसे अपने अंदर समा लेती है। यहाँ पर सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान के सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। हवल टेलीस्कोप, जो अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जब इस जगह से गुजरता है तो इसे भी बंद कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब इस क्षेत्र में होता है तो उसमें स्पेस वॉक का यह दिन में 5 बार होता है। दुनिया में सबसे अधिक विमान लापता होने की घटना इसी क्षेत्र में हुआ है। दूसरा है मिशिगन ट्रायंगल। यह जियोग्राफिकल ट्रायंगल मिशिगन लेक के मध्य में स्थित है। मिशिगन लेक अमेरिका की सबसे 5 बड़ी झीलों में से दूसरे नंबर की है। यह 307 मील लंबी और 188 मील चौड़ी है। मिशिगन लेक इलिनाइस, मिशिगन, इंडियाना और विस्कॉन्सिन राज्य तक फैली है। यहाँ कई प्लेन और शिप गायब हो चुके हैं। मिशिगन लेक में करीब 40 प्लेन लापता हो चुके हैं। जून 1950 में न्यूयॉर्क से नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ्लाइट 2501 ने मिनियापोलिस से उड़ान भरी और लेक मिशिगन में फंस गया। 55 यात्रियों में से कोई भी बच नहीं सका। विमान का भी कुछ पता नहीं चल सका। 28 अप्रैल 1937 को ओएम मैकफारलैंड मालवाहक शिप विस्कॉन्सिन को विस्कॉन्सिन के पोर्ट वाशिंगटन के लिए रवाना हुआ। जब यह मिशिगन ट्रायंगल से होकर गुजरा था तो इसका एक कैप्टन जॉर्ज आर डोनर अपने कैबिन से गायब हो गया था। उसका कैबिन भी अंदर से बंद मिला था। कई रहस्यमय आकृतियां देखने की रिपोर्ट आने के बाद फेडरल एविडेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेशल लेक रिपोर्टिंग सर्विस शुरू की। इसमें ऐसी घटनाओं को दर्ज किया जाता है। एंगिकुनी लेक। एंगिकुनी लेक कनाडा के किविलिक रीजन में नूनावोट में यह कैजान नदी से लगी हुई है। इस लेक में एक गांव के लोगों के गायब होने का एक मिथक प्रचलित है। एंगिकुओन लेक के किनारे बसे गांव के सारे लोग 1930 में एक दिन अचानक गायब हो गए। एक व्यक्ति जो लाबेल इस गांव में आया तो उसने देखा कि घर के चूल्हे खाना पकाने के लिए रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सारे लोग अधूरा काम ही छोड़कर गायब हो गए। इसके बाद उसका पता नहीं चल सका। इस गाँव की आबादी लगभग 2000 तक रही होगी। चौथा है दानव का समुद्र। इसे डेविल्स या ड्रैगन का ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह प्रशांत महासागर में ठीक उसी तरह की पहेली बना हुआ है जैसा अटलांटिका में बरमूडा। जापान की सरकार ने इस क्षेत्र में मछुआरों को फिशिंग करने से भी मना कर चुकी है। यह दानव का समुद्र जापान के पास स्थित है। यहाँ विचित्र रोशनी वस्तुएं और मानव आकृतियाँ दिखाई देती है, और जो भी लोग यहाँ आते हैं रहस्यमयी ढंग से लोग यहाँ गायब हो जाते हैं। जापान की सरकार ने 1952 में इस क्षेत्र की घटनाओं की सत्यता जानने के लिए एक टीम को एक शिप कैओ मारू नंबर 5 में भेजा था, लेकिन क्रू मेंबर और 31 लोग समेत यह शिप गायब हो गया। इस डेविल सी से एक अन्य स्टोरी खतरनाक आक्रमणकारी कुबलाई खान से भी जुड़ी हुई है। वह जापान पर हमला करना चाहता था। इस कोशिश में उसके 40,000 लोग इस क्षेत्र में गायब हो गए। पांचवा है ब्रिज वाटर ट्रायंगल। यह वेस्टर्न अमेरिका के ठीक साउथ से दक्षिण पूर्वी मैसाचुसेट्स में है। यह 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में विचित्र रहस्यमय जीव और रोशनी दिखाई दे रही है। 1970 में कई रिपोर्टर्स यहां आई थी। उन सबों का कहना था कि
यहाँ लंबे बालों वाले वानर दिखाई देते थे। 1976 में दैत्य की तरह लाल आंखों वाला व्यक्ति एक कुत्ते के साथ दिखाई देता था। यहाँ कई बार रहस्यमयी एक ब्लैक हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। 6 है बेनिनगटन ट्रेंगल। यह अमेरिका के साउथ वेस्टर्न वेयरमाउंट में स्थित है। यह रहस्यमय ट्रेंगल ग्लास टेनबरी माउंट के मध्य में स्थित है। इसके आसपास बेनिनगटन, वुडफोर्ड, सॉफ्ट सबरी और समरसेट स्थित हैं। इस इलाके में बड़े पैरों वाली मानव आकृतियां, विचित्र आवाजें और रोशनी दिखाई देती है। अमेरिकी इसे श्रापित इलाके मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ लंबे बालों वाला जंगली इंसान घूमता है और यहाँ जंगलों में कई रहस्यमय जानवर दिखाई देते हैं। 1945 में मैंडी रिवर्स नाम का एक व्यक्ति इस क्षेत्र में गाइड का काम कर रहा था। 12 नवंबर 1945 को वह कैंप लौटते वक्त ही रास्ते में ही कहीं खो गया। इसके बाद उसका पता नहीं चला। यह घटना पास के लंबे रेल रोड पर हुई थी। 75 वर्षीय मैंडी इस इलाके के चप्पे चप्पे से परिचित था। 1949 में 3 शिकारी इस इलाके में गायब हो गया। इसके बाद उनका कभी पता नहीं चल सका। 1949 में जेम्स ई जेफोर्ड नाम का व्यक्ति बेनिनगटन क्षेत्र में गायब हो गया। इसके बाद उसका भी पता नहीं चल सका। 7 है सान लुइस वैली। अमेरिका के कोलोराडो राज्य में फैली सान लुइस वैली न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्से तक फैली है। 8000 वर्ग मील क्षेत्रफल वाली यह वैली 196 किलोमीटर लंबा और 119 किलोमीटर चौड़ी है। यहाँ रहस्यमय आकृतियाँ दिखाई देना, पालतू जानवरों को मारने की घटनाएं और इनके शरीर में घाव दिखाई देता था। इन जानवरों का शरीर का अंग भी गायब होता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनके शरीर पर खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं देता है। जूडी मेसोलिन नाम की महिला ने UFO या एलियंस को अपने खेत पर देखी थी। यह महिला वर्ष 2000 से अब तक 50 से अधिक UFO देखने की घटनाओं की गवाह है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।